आर सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पहले खबर आ रही थी कि फिल्म में कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन अब उन सब खबरों पर ब्रेक लग गया है। अब फिल्म के निर्देशक को लेकर खबर सामने आई है कि इसका निर्देशन अनीस बज़मी नहीं करेंगे। अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी स्टार हेरा फेरी का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। मीडिया में खबरें हैं कि हेरा फेरी 3 का निर्देशन फरहाद सामजी कर रहे हैं। हालांकि दर्शकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि फिल्म का निर्देशन फरहाद करे। जब ये खबर आई थी कि फिल्म को फरहाद डायरेक्ट करेंगे, तब उन्हें सोशल मीडिया पर फिल्म से निकालने के लिए ट्रेंड चलाया गया था और उन्हें ट्रोल किया गया था। अब इस पर निर्देशक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपनी ट्रोलिंग पर फरहाद ने कहा कि अभी फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर सवाल उठाने वाले ये लोग कौन है। उनके अनुसार हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम उसे लेकर बेहतर फिल्में बनाकर और अच्छे पंच लिखकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। निर्देशक ने कहा कि उनका इरादा हर तरह के दर्शकों से अपील करना है और उन्हें एक ऐसी फिल्म देना है जिसमें रोमांस, मसाला, एक्शन और कॉमेडी का मिश्रण हो। हाउसफुल 4 अक्षय कुमार की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अगर हम देखें तो कार्तिक आर्यन स्टार भूल भुलैया 2 भी सफल परियोजनाओं में शामिल है। दरअसल बीते दिनों फरहाद सामजी को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने काफी ट्रोल किया था। उनका कहना था कि बासी कॉमेडी परोसने वाले निर्देशक फरहाद को हेरा फेरी फिल्म के सीक्वल को खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। उनके निर्देशन में कई कॉमेडी फिल्मों का दम निकल गया है और अब फैंस नहीं चाहते हैं कि हेरा फेरी 3, जो एक बहुप्रतीक्षित कल्ट कॉमेडी फिल्म है, वो खराब हो। लेकिन हेरा फेरी 3 के मेकर्स ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए फरहाद सामजी को ही रखा है। मेकर्स ने कहा कि ये फिल्म से अलग नहीं हुए थे। आपकी फरहाद के निर्देशन पर क्या राय है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस सारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।